प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में भय खून के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल रंग की है। पांडव और कौरव के बीच का युद्ध का परिणाम तो आप सब जानते ही हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ साल तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने द्रौपदी समेत राजपाट को त्याग कर स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप कर वे हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा पर चल पड़े। वहां यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक करके चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने उनसे कहा कि वे आपसे पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपना शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे और वह अपने शरीर को त्याग के स्वर्ग पहुंचे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता भी मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं इसके बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आए और उन्हें युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था और तुम उसमें खड़े उतरे हो। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग से लेके गए जहाँ पे चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उस मार्ग पर चलते चलते युधिष्ठिर को कई मुर्दे लोग दिखाई दिए। ये सब देख उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी जो कि उन्हें रुकने के लिए कह रहा है। जब उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी बोल रहे हैं। ये सब देख युधिष्ठिर चौंक गए और उन्होंने देवदूत को वहाँ से वापस जाने के लिए कहा और कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ यहीं पर रहूँगा। देवदूत युधिष्ठिर का समाचार लेकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। इंद्रदेव और उनके साथ सभी देवतागण युधिष्ठिर से मिलने के लिए वहाँ से निकले। जैसे ही देवता लोग वहाँ पर पहुँचे अंधकार एकदम उजाले में बदल गया और जो भी बदबू आ रही थी वो एकदम सुगंधित हो गई। देवराज इंद्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने अपना संपूर्ण जीवन सत्य और धर्म के साथ जिया है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए तुमने छल कपट का इस्तेमाल करा था, यही वो कारण है जिसके लिए तुम्हें नरक के दर्शन करने पड़े। चलो अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे सारे भाई वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग पहुँचे और उन्होंने वहाँ देखा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। चारों भाई और द्रौपदी के अलावा वहाँ पर दुर्योधन भी मौजूद था। दुर्योधन को देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन तो आजीवन ही दुष्ट कर्म करते हुए आ रहा है, तो आखिरकार ये स्वर्ग में क्या कर रहा है? युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि माना कि दुर्योधन ने पूरे जिंदगी भर दुष्ट कर्म ही करे हैं, लेकिन मरने से पहले उसने एक अच्छा कर्म भी करा है, वो कि यह है कि लड़ाई में वो एक क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए मरा है और वीरगति को प्राप्त हुआ है। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वो घबराया नहीं और आखिर तक वीरों की तरह लड़ता रहा और उन्हीं पूर्ण के स्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वहीं बाजू में खड़े इंद्र तब बोलते हैं कि जिस आदमी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पाप करे होते हैं सबसे पहले उसे अपने पूर्ण का फल मिलता है और बाद में अपने पाप के लिए वो नरक में यातना झेलता है। इसी प्रकार जिन लोगों ने पांडवों का साथ दिया था उन्हें बस कुछ समय तक नरक भोगना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।